नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट। कनाडा और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत ने ऑपरेशनल कारणों का हवाला देते हुए कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कनाडा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कनाडा के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। कनाडा ने निज्जर केस में कोई जानकारी नहीं दी। भारत ने कनाडा के साथ आपराधिक गतिविधियों के सबूत साझा किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी देश को अगर प्रतिष्ठा की चिंता करने की जरूरत है तो वो कनाडा है। आतंकी संगठित अपराध की सुरक्षित पनाहगार के तौर पर कनाडा अब जाना जा रहा है। वहाँ सेफ हेवन्स दे रहे हैं कनाडा में, वहाँ पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवन्स न दे, और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले, और वहाँ आइदर उनके ऊपर वहाँ एक्शन ले या हमें यहाँ जस्टिस फेस करने के लिए यहाँ भेजे। हम कह रहे हैं कि वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे इन्वॉल्व हैं, उनको हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही है, और इनका जो एलिगेशन है उस पर मैंने जैसे कहा कि हमारे पास कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया है, तो उसके बाद उन्होंने हमने फिर एक्शन जो लेना पड़ा सब इससे रिलेटेड है कि टेररिज्म पे एक्शन नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर कॉन्सुलेट्स हैं उनके उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उसमें डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्परारीली वीजा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी, पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीजा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है, और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। हरदीप सिंह निर्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाकर क्या कनाडा ने अपने लिए आफत मोल ले ली है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कनाडा को अपने सहयोगियों की जिस तरह से समर्थन की उम्मीद थी वो नहीं मिली है, फाइव आईज अलायंस वाले देश से लेकर ना ही G7 से। ओवर द पास्ट नंबर ऑफ वीक्स कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज, जस्टिन ट्रूडो ने बढ़ चढ़ कर बयान तो दे दिया लेकिन अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है। खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर को भारत ने भगोड़ा आतंकवादी घोषित कर रखा था जिसकी कनाडा में हत्या हो गई। खालिस्तानी आतंकवादियों ने इसमें भारत का हाथ होने की बात कर जांच की मांग की थी। ट्रूडो ने एक तरह से उनकी हां में हां मिलाई है। अब कनाडा अपने नजदीकी देशों के बीच ही अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। कनाडा काफी समय से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अलग थलग रहा है, और खासतौर से जब से जस्टिन ट्रूडो पावर में आए हैं तो वो बिल्कुल ही आइसोलेटेड नेशन की तरह होके रह गया है। और मैं समझता हूँ कि यह जिस तरीके से उन्हीं ने वहाँ पे उनकी सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल न करके बल्कि उनको खुली छूट दे के, ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उनकी नाराजगी और बढ़ सकती है। कनाडा के अलग थलग पड़ने का सबूत ये भी है कि कनाडा के सबसे नजदीकी सहयोगियों फाइव आईज देशों ने ट्रूडो के आरोपों पर चिंता तो जताई है लेकिन कोई एक तरफा बयान नहीं दिया है। जो बाइडेन चाहते तो कनाडा के पीछे मजबूती से खड़े हो सकते थे, लेकिन अमेरिका भारत को मजबूत रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखता है। G20 में तो वे आए ही थे, उनको गणतंत्र दिवस परेड के मेहमान के तौर पर भी न्योता गया है। अमेरिका और कई दूसरे देश भारत को चीन की काट के तौर पर भी देखते हैं। जो इस समय पश्चिमी देश हैं उनको भारत की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो ये जानते हैं कि कनाडा तो कहीं जा नहीं सकता, उनका साथ जुड़ा हुआ है। यही नहीं बल्कि ये फाइव आई कहलाते हैं जिसके अंदर बरतानिया, फिर उसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जो हैं एक हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी भी अमेरिका से जुड़ी हुई है, इकनॉमी भी अमेरिका से जुड़ी हुई है, तो वो
छोड़ के इनको कभी अलग हो नहीं सकता। और भारत जो है वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसलिए उनको इसकी काफ़ी ज़रूरत है। और यहाँ पे वो, और इसके अलावा ये भी है कि वो भारत का एक बड़ा रोल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना को कंटेन करने में भी देखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक G20 के दौरान जस्टिन ट्रूडो ने भारत की निंदा करने वाला संयुक्त बयान जारी करने पर जोर दिया था, लेकिन अमेरिका और दूसरे देशों ने इसे नामंजूर कर दिया। जानकार मानते हैं कि खालिस्तान के मुद्दे पर ट्रूडो की मजबूरी घरेलू राजनीति है, क्योंकि वे अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। कि खालिस्तान का जो मुद्दा है उसके ऊपर इस वक्त कनाडा के अंदर काफी मतभेद है। एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश कनाडा को ट्रूडो अपने कमजोर राजनीतिक स्थिति की वजह से आतंकवाद के मुद्दे पर बदनामी की तरफ धकेल रहे हैं। दुनिया के देश इस बात को समझ रहे हैं, तभी वे ट्रूडो का साथ उस तरह से नहीं दे रहे जैसा कि ट्रूडो को उम्मीद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और दोनों देशों के रिश्तों में आई गिरावट से कनाडा में रह रहे भारतीयों को चिंतित होना स्वाभाविक है। राजनीतिक दलों का कहना है कि भारत द्वारा वीजा सस्पेंड करने का असर कनाडा में रह रहे भारतीयों पर पड़ेगा जिनके परिवार भारत में रहते हैं। आज बन गए हैं कनाडा ते हिंदुस्तान दे विच बड़ी दुख दे मैं कहना पैना है, इहदा बहुत वड्डा असर हो रहा है। मैनू पिछले दो दिनों के अंदर हजारा कॉल आए हैं पंजाब दे विचों भी कनाडा विचों भी, जिथे लोगों विच पैनिक हो गया, क्योंकि हर साल हजारा नौजवान बच्चे कैनेडा पढ़ जाते हैं, बहुत लोग अपने फैमिलीज़ नू मिल जाते हैं, उतों फैमिलीज इतने आनी है, तो हूँ एक पैनिक हो गया कि पता नहीं होगा कि साढ़े बच्चों का की होगा, कि असी वापस आ सकेंगे। एक इमेज जा रही है कि सिखा टेररिज्म न जोड़िया जा रहा, बिच बहुत गलत है, तो आ जो इंप्रेशन गलत जो बनाया जा रहा है, इनू एकदम इनू स्टॉप किया जाए, तो इमीजिएटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बह के इहदा सलूशन जल्दी लभन। कनाडा में गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनिके की हत्या हो गई है। गैंगस्टर सुखा खालिस्तानी आंदोलन से जुड़ा था और एनआईए को की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुखा दुनिके पर कनाडा में करीब 15 राउंड फायरिंग हुई और मौके पर ही मौत हो गई। सुखा पंजाब के मोगा का रहने वाला था और खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी अर्श डल्ला का करीबी था। भारत में सुखा दुनिके ने इनके 15 केस चल रहे हैं। 2017 में वो जाली दस्तावेज के सहारे कनाडा चला गया था। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर सुखा की हत्या की जिम्मेदारी ली है। मणिपुर में एक बार फिर से तनाव का माहौल है। मणिपुर के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया गया है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। झड़प में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़े। इन्हें हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारी उन्हें छोड़ने की मांग कर रहे थे। झड़प के बाद इम्फाल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, साथ ही कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। और आइए सीधे चलते हैं राज्यसभा, जहां पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोल रही हैं। रिमेंड देयर फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, बट बिकॉज़ ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, द 11th लोकसभा ऑन 4th डिसंबर 1997 दिस बिल आल्सो लैप्स्ड। दिस बिल वन पर्टिकुलर फीचर व्हिच आई लाइक टू हाईलाइट is this bill provided for rotation of seats. So it provides for reservation, rotation of seats. So that's the first one. So the next one, second attempt made was on 14th December 1998 by Sri Atal Bihari Vajpayee's government, 12th Lok Sabha. In this, the bill was almost identical to the one which was presented earlier, but a 15-year period was brought in. Now, this bill also lapsed due to the dissolution of the 12th Lok Sabha on 26th April 1999.
A second attempt was made again by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on 23rd December 1999. That was the 13th Lok Sabha, and then the bill hadn't been pursued at all because they couldn't develop any consensus of view. And again, this also lapsed on the dissolution of the 13th Lok Sabha on 6-2-2004. The fourth attempt, which is the most recent attempt, happened on 6th May 2008. In the Rajya Sabha, the bill was introduced under Dr. Manmohan Singh's government, UPA 2, very identical bill to the one which was previously tabled, which couldn't be pursued in the Lok Sabha. And this bill, which was brought in the Rajya Sabha, was referred to a standing committee, a department-related parliamentary standing committee on personnel, public grievances, law and justice, on 8th May 2008 for examination. And it got passed, taken up for consideration and passed in the Rajya Sabha on March 2010. And then... और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा चल रही है, बस मोहर लगनी बाकी है, तो वहां पे प्रक्रिया भी जारी है। तो महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के दौरान सबसे ज्यादा ओबीसी समुदाय की महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटे की मांग ज्यादा सुनाई दी। एक रिपोर्ट। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान रखना। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने ये बात कही। नड्डा ने कहा, लोकसभा में बीजेपी के कुल 303 सांसदों में से 85 यानी 29% सांसद ओबीसी समुदाय से हैं। देश में बीजेपी के 1358 विधायकों में से 27% ओबीसी हैं, जबकि देश में बीजेपी के 163 विधान परिषद सदस्यों में से 40% ओबीसी हैं। दरअसल लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा में बहस के दौरान कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने महिला आरक्षण बिल में कोटे की मांग की। हम लोग चाहते हैं कि महिला का आरक्षण मिले, लेकिन एससी एसटी के साथ ओबीसी की भी जो भागीदारी है वो होनी चाहिए, उसका अमेंडमेंट हम लोग लेकर आए। आज भी मौका है इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज करके एससी एसटी और ओबीसी को इनकॉर्पोरेट किया जाए। नहीं, आज आप हम नहीं करेंगे, हम ऐतिहासिक गुनहगार होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एनडीटीवी से बातचीत में ओबीसी कोटे का समर्थन करते हुए मुस्लिम महिलाओं के लिए भी बिल में कोटे की मांग रख दी। मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण का सुविधा मिलना चाहिए, कहा गया कि देश में उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। से ज्यादा मुसलमान है तो औरतें भी तो 50% होगी उसमें, तो इसलिए उनको भी तो हक है कि वो भी अपना योगदान दें इस वतन को मजबूत करने के लिए, जरूरी है। महिला आरक्षण के बाद अब राजनीतिक दलों में होड़ खुद को ओबीसी समुदाय का पक्षधर साबित करने को लेकर है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कई विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे का सवाल जरूर उठाया, लेकिन उन्होंने बिल को रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे को लेकर जारी राजनीति जल्दी खत्म होगी, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। संसद भवन से कारण पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पहुंचे। उन्होंने कुलियों के साथ मुलाकात की और इसके साथ ही वे खुद भी कुलियों की पहचान वाली लाल रंग की शर्ट में नजर आए और सूट केस को सिर पर रखकर चलते दिखाई दिए। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर भी इस मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि काफी समय से मेरे मन में ये इच्छा थी और उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया था। भारत के परिश्रमी भाइयों की इच्छा तो हर हाल में पूरी होनी चाहिए। और उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज भिलाई में राज्य स्तरीय महिला समृद्धि सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान वे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी मिली और वहां पर जो स्वनाच टीम थी उन्होंने अपना हाथ आजमाया।
पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम है और इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुंबई में भी बप्पा के भक्ति में डूबी हुई है पूरी नगरी। लगातार बॉलीवुड सितारे भी लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अभिनेता शाहरुख खान भी आज अपने बेटे के साथ लाल बाग के राजा में दर्शन के लिए पहुंचे और इस मौके पर पंडाल समिति ने शाहरुख खान को बप्पा के साथ करीब जाके तस्वीर यहाँ से ली गई। और इन्हीं तस्वीरों के साथ आज न्यूज़ 8 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।